हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे हेयर्स के ट्यूटोरियल्स अपलोड किए, आप वो भी चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह के हेयर्स को ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। सो ये ज़रा डिफरेंट टाइप्स के हेयर्स हैं। सो इस तरह के हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहले सेम जो स्ट्रोक्स हैं उन्हें ड्रॉ कर ले रहा हूँ, जिससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाएगी हेयर्स को ड्रॉ करने में और शेड करने में। सो जो एरिया डार्क है उसे मैं लीव कर दिया है फ़िलहाल मैंने, और वहाँ पे अभी मैं पेंसिल स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहा हूँ। सो डार्कर एरियाज़ पे मैं पेंसिल स्ट्रोक्स को अप्लाई कर दे रहा हूँ। सो आपने देखी थी रेफरेंस, सो इस एरिया पे हमारी जो डार्कर टोन्स थी, सो इसलिए मैंने वहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल की हेल्प से स्ट्रोक्स अप्लाई कर दी हैं। और उसी तरह से सेम जो एरियाज़ हमारे डार्क थे, मैं उन सारे एरियाज़ पे पेंसिल की स्ट्रोक्स को अप्लाई कर दूँगा। सो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो किस तरह से मैं स्ट्रोक्स को अप्लाई कर रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में जिस तरह से हमारे हेयर्स हैं, हेयर्स की डायरेक्शन है सेम, आपको उसी तरह से ड्रॉ करना है, फिर आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल पाएगा और रियलिस्टिक भी आपके हेयर्स लगेंगे। सो आप देख रहे हो मैं किस तरह से स्ट्रोक्स को अप्लाई कर रहा हूँ। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है फ्रेंड्स, आप काफ़ी ईजिली इस तरह से हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हो। सो अभी आप देखोगे काफ़ी ईजी वे में काफ़ी रियलिस्टिक हेयर्स को मैं ड्रॉ करूँगा। सो आप अगर सिंपल प्रोसेस को यूज़ करोगे, टेक्निक्स, राइट टेक्निक्स को यूज़ करोगे, तो आप काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर सकते हो। सो आपने देखा मैंने फर्स्ट लेयर अप्लाई कर दिया है यूजिंग मैकेनिकल पेंसिल, और उसके बाद अब मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ उन सारे एरियाज़ को जहाँ पे मैंने ये स्ट्रोक्स अप्लाई की है यूजिंग मैकेनिकल HB पेंसिल। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस ब्रश मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ इसे ब्रश की हेल्प से। सो मैं ब्रश इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और इससे पेपर भी हमारा ज़्यादा डैमेज नहीं होता। अगर हम स्टम्प यूज़ करें तो वो हमारे पेपर के टेक्सचर को भी डैमेज कर सकता है, सो इसलिए मैं ब्रश यूज़ करता हूँ। सो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 6B चारकोल, जो कि काफ़ी डार्क होती है। सो मैं डायरेक्टली 6B इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये एरिया डार्क था, इसलिए मैंने डार्क पेंसिल स्टार्टिंग में यूज़ कर रहा हूँ सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी होती है और ईजिली ब्लेंड भी हो जाएगी, सो इसलिए मैं 6B को यूज़ कर रहा हूँ। सो आपके पास जो भी चारकोल पेंसिल हो, आप उसकी काफ़ी लेयर्स 2-3 लेयर्स अप्लाई करके इस तरह का रिज़ल्ट भी अचीव कर सकते हो, या फिर अगर आप ग्रेफाइट यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको ग्रेफाइट के लिए स्ट्रोक्स अप्लाई कर करके आप रियलिस्टिक हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हो। सो उसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी लेयर्स भी अप्लाई करनी पड़ेंगी, बट चारकोल में आप 2-3 लेयर्स अप्लाई करके और प्रॉपरली ब्लेंड करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक और डार्क रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो जो शेडोज जहाँ पे है हमारी, वहाँ पे डार्कर रीजन्स है। सो जहाँ पे मैंने सबसे पहले पेंसिल स्ट्रोक्स भी अप्लाई की थी HB की, सो सेम उन्हीं एरियाज़ पे मैं चारकोल को अप्लाई कर रहा हूँ, और बाकी जो हमारा एरिया है उस पर अभी मैं चारकोल को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। सो ये मैं जनरल्स की 6B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, और इसी तरह से मैं हर बार हेयर्स को ड्रॉ करता हूँ। और इस हेयर्स को ड्रॉ करने में मुझे अराउंड 40 मिनट्स का टाइम लगा है, और मैंने वीडियो को 4 times फास्ट भी किया, सो ये अराउंड 10 मिनट्स के आसपास की आपको वीडियो मिल रही होगी। सो 40 मिनट्स में आप हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हो काफ़ी कम टाइम में रियलिस्टिक, और अगर यही आप ग्रेफाइट को यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि उसमें आपको एक एक स्ट्रोक्स को ड्रॉ करके फिर आप रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ कर पाओगे। सो यही डिफरेंस होती है चारकोल और ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में आपको लाइट वैल्यूज़ मिलती है और आपका रिज़ल्ट है वो शाइन भी करता है, बट चारकोल में काफ़ी इंटेंस डार्क रिज़ल्ट आपको मिलता है, और काफ़ी अच्छी तरह से ये ब्लेंड भी हो जाता है और काफ़ी रियलिस्टिक लुक भी आपको नज़र आता है, और इससे आपका टाइम भी काफ़ी बच जाता है। सो आप हेयर्स के लिए चारकोल को यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली चारकोल ही यूज़ करता हूँ हेयर्स को ड्रॉ शेड करने के लिए। सो देख रहे हो मैंने जो चारकोल अप्लाई किया था अब उसे मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ। सो मैंने 6B यूज़ किया था, सो 6B पेंसिल काफ़ी सॉफ्ट होती है, सो इसलिए ईजिली ब्लेंड हो जा रही है, और ब्लेंड करने के बाद ये जो वैल्यूज़ है वो थोड़ी सी और डार्क भी हो जा रही है। तो इस तरह से मैं पूरे एरियाज़ जहाँ पे मैंने 6B को अप्लाई किया है उसे ब्लेंड कर दूंगा, और जहाँ हमारी हाइलाइट्स वाली एरियाज़ है वहाँ पे मैं काफ़ी लाइट प्रेशर से ब्रश को अप्लाई करूँगा,
क्योंकि उन एरियाज़ को मुझे लाइट रखना है। अगर मैं वहाँ पे भी डार्क ज़्यादा ब्लेंडिंग कर दूंगा तो वो एरिया हमारा डार्क हो जाएगा, इसलिए काफ़ी जेंटल तरीके से मैं उन हाइलाइट्स वाले एरिया पे ब्लेंड करूँगा। सो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल, क्योंकि मैंने एक बार 6B अप्लाई कर दिया है, इसलिए मैं फिर से 6B अप्लाई नहीं कर रहा, अब मैं 4B अप्लाई कर रहा हूँ, इससे हमारी सेकेंड लेयर भी हो जाएगी थर्ड लेयर, और इसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर दूंगा। और फ्रेंड्स 4B पेंसिल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये ज़रा 6B से कम ब्लेंड होती है, सो जहाँ भी मैं हमारी डार्कर वैल्यूज़ है वो ब्लेंड करने के बाद भी डार्क ही रहेंगी, बट 6B अप्लाई करने के बाद जब हम ब्लेंड करते हैं तो वो ज़रा लाइट हो जाती है, क्योंकि 6B काफ़ी ब्लेंड हो जाती है। सो इसलिए मैं यहाँ पे अब 4B यूज़ कर रहा हूँ। 6B यूज़ करने के बाद मैंने 4B को यूज़ किया और इस तरह से ब्लेंड कर दिया। सो अब देख रहे हो हमें रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलना शुरू हो गया। सो सेम जैसा हमने लेफ्ट साइड में किया वैसा मैं पूरे एरियाज में करूँगा, और ये मैं मैकेनिकल पेंसिल से कुछ जो हेयर्स हमारे हैं एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए हैं उन्हें ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और उन्हें ड्रॉ करने के बाद आपको और भी रियलिस्टिक लुक नज़र आएगा, क्योंकि हमारे हेयर्स इस तरह से नहीं होते कि पूरे परफेक्ट शेप में हो, एक दो हेयर्स ऊपर नीचे होते, सो उन्हें अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सो मैंने उन हेयर्स को भी ड्रॉ कर दिया है, और लास्ट में मैं फिर से फिनिशिंग टच दूंगा, और फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल। सो जो डार्कर एरियाज पे मैंने पहले 6B अप्लाई करके ब्लेंड किया था, सेम उन्हीं एरियाज पे अब मैं 4B को यूज़ कर रहा हूँ, और 4B को अप्लाई करने के बाद मैं फिर से ब्लेंड करूँगा। सो यही होता है फ्रेंड्स पूरा प्रोसेस। आप एक पेंसिल की हेल्प से भी हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स अप्लाई करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स कि आपको एटलीस्ट 3 से ऊपर लेयर्स अप्लाई करनी चाहिए, जिससे जो आपका पेपर है वो अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेगा आपकी ग्रेफाइट या चारकोल जिस भी मीडियम के साथ आप वर्क कर रहे हो। सो आप देख रहे हो अभी मैं जहाँ पे हमारी हाइलाइट्स थी वहाँ पे मैं ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं हाइलाइट्स वाले एरियाज़ को लीव कर दे रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर से ब्लेंडिंग नहीं कर रहा, इससे होगा ये कि हमारी जो हाइलाइट्स है वो प्रॉपर हमें विजिबल होंगी, और लास्ट में हम उसे हल्का सा और मोनो इरेज़र या फिर आप पेंसिल इरेज़र की हेल्प से और भी हाइलाइट्स अप्लाई कर सकते हो। सो अभी मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ ब्लेंडिंग। सो अब देख रहे हो मैं और भी ब्लेंडिंग कर दे रहा हूँ, जिससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो और भी सॉफ्ट हमें और स्मूथ दिखेंगे हेयर्स। सो ब्लेंड करने के बाद अब मैं जहाँ पे देख रहा हूँ मुझे कि हल्की सी और डार्कनेस चाहिए, वहाँ पे मैं सिर्फ 2B पेंसिल को अप्लाई कर रहा हूँ, चारकोल 2B, क्योंकि इससे हमारी वैल्यू ज़्यादा डार्क नहीं होगी, ये लाइट होती है 2B पेंसिल। सो इसलिए मैंने उन एरियाज पे अप्लाई करके ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है। सो फ्रेंड्स 2B जो चारकोल होता है वो ज़रा लाइट होता है, 4B ज़रा उससे डार्क होता है, और 6B सबसे डार्क होता है, और फ्रेंड्स 6B काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड होता है, 4B ज़रा उससे कम ब्लेंड होता है, और 2B बिल्कुल कम ब्लेंड होता है। सो ये चीज़ें भी आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए जब आप ये सारी पेंसिल्स को यूज़ करते हो। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पेंसिल किस तरह की डार्कनेस देती है, कौन सी पेंसिल किस तरह से ब्लेंड होती है। सो अगर आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखोगे तो आप काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट अपनी ड्राइंग्स में अचीव कर पाओगे। सो आपने देखा कि मैंने पूरी ओवरऑल ब्लेंडिंग कर दी। अब मैं जहाँ भी हमारी हाइलाइट्स थी रेफरेंस इमेज में, मैं फिर से आपको लास्ट में रेफरेंस इमेज शो करूँगा। सो उन हाइलाइट्स वाले एरियाज़ को मैं पेंसिल इरेज़र की हेल्प से हाइलाइट्स कर दे रहा हूँ। सो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पास मोनो इरेज़र नहीं होगी, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, अराउंड 220 की आपको एक मोनो इरेज़र मिलती है, बट अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पेंसिल इरेज़र परचेज़ कर सकते हो, जो कि आपको अराउंड 240 की 3 मिल जाती है। सो ये उससे ज़रा चीप है, अराउंड 80 रुपीज़ की आपको एक मिल जाती है। सो आप इसे परचेज़ कर सकते हो, और ये भी काफ़ी सिमिलर वर्क करती है मोनो इरेज़र की तरह। सो आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो आप देख रहे हो किस तरह से मैं हाइलाइट्स को अप्लाई कर रहा हूँ। सो हाइलाइट्स को अप्लाई करने के बाद जहाँ हमारी शाइन है, लाइट फॉल हो रही है, वहाँ पे अप्लाई करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट दिख रहा है वो और भी रियल लग रहा है।
सो इसी तरह से आपको हाइलाइट्स भी करना है, जहाँ डार्कर टोन से वहाँ डार्क रखना है, जहाँ हाइलाइट्स है वहाँ हाइलाइट्स अप्लाई करनी है, और जहाँ मिड टोन्स है वहाँ मिड टोन्स को रखना है। सो इस तरह से अगर आपकी ड्राइंग में सारे टोन्स अलग नज़र आएंगे तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो काफ़ी रियल और रियलिस्टिक लगेगा। और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल स्टेडलर की। सो ये मैं सिर्फ वो जो हेयर्स निकले हुए एक दो उन्हें ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और इसके लिए आपको शार्प करके यूज़ करना है पेंसिल को। और ये काफ़ी लाइट हेयर्स होते हैं जो हमारे अलग से बाहर दिखते हैं, सो इसलिए मैंने उसके लिए ग्रेफाइट यूज़ किया। अगर मैं वहाँ डायरेक्ट चारकोल यूज़ करता तो हेयर्स हमारे काफ़ी मोटे हो जाते हैं और वो सही लुक आपको नहीं मिल पाता। सो आपने देखा किस तरह से मैंने सारा का सारा प्रोसेस आपको शो किया। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो ये हमारी रेफरेंस, तो आप मैच कर सकते हो, और भी वैल्यूज को मैं डार्क करूँगा जिस तरह से मैं प्रोग्रेस करूँगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।